आज मैं उन परिवारों से मिला, उन बच्चों की मां से मिला जिनको 40 लोगों ने मारा था। माता ने कहा, पिता ने मुझसे कहा कि हमें रास्ता नहीं दिखाई देता है, हमें यहां मोदी जी के गुजरात में हर रोज पीटा जाता है, दबाया जाता है, कुचला जाता है। कुछ समय पहले मैं हैदराबाद गया था, वहां एक युवा ने आत्महत्या की। दिल्ली की सरकार ने उसी के परिवार पे आक्रमण किया, उन युवाओं पे आक्रमण किया जो अपना हक मांग रहे। और आज मैं गुजरात के अस्पताल में गया जहां एक साथ अलग अलग जगह से बिना एक दूसरे से बात किए 11 लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश। मतलब क्या है? मतलब यह है कि पूरे गुजरात में जो कमजोर लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात के हों, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको दबाया जाता है। और ये किसकी लड़ाई है? ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू जी, बाबा साहब अंबेडकर जी, और दूसरी तरफ आरएसएस, गोवालकर और नरेंद्र मोदी जी। देखिए, मोदी जी गुजरात मॉडल की बात करते हैं, मगर यहां पे जो भी इस विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, जो भी एजुकेशन मांगता है, कहता है कि हमें शिक्षा चाहिए, जो भी बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ लड़ता है, तो उसे दबा दिया जाता है, कुचला जाता है। मैंने उनसे कहा, जिनसे मैं अस्पताल में मिला, माता पिता से उनसे कहा कि देखिए आप घबराइए मत, कांग्रेस पार्टी, गुजरात की जनता आपके साथ खड़ी हुई है। हम इस विचारधारा को गुजरात में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हरा के दिखाएंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।